राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां अब कमर कसकर तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। अगर बीजेपी में वसुंधरा राजे को अगर हम लाइन से बाहर निकाल दें तो कोई ऐसा फेस नज़र नहीं आता जो सीएम पद की स्ट्रांग उम्मीदवारी को पेश कर सके। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने निर्णय किया है कि वो सिर्फ पीएम मोदी के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि वसुंधरा राजे को सीएम पद की उम्मीदवारी ना मिले तो कांग्रेस को इस बार कितना फायदा होगा, इसी मुद्दे पर हम जाने निकले हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राय। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। फायदा नुकसान नहीं है, सवाल है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे से ज्यादा लोकप्रिय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। और मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को चेहरा नहीं बनाती है तो कांग्रेस को लाभ है, क्योंकि दो बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रही, और महिला होने का उनको एक अलग से फायदा है। और फिर वो ट्रिपल शूटर है, वो कहती है कि मैं जाट की घरवाली हूँ, पैदाइशी मैं राजपूत परिवारों से हूँ और उनके बेटे ने गुर्जर से शादी करी, तो वो ट्रिपल शूटर है, मैं गुर्जरों की बहू लेकर के आई हूँ, जाटों की मैं पत्नी हूँ, जाटों और राजपूत परिवार से हूँ, तो ट्रिपल शूटर है। और आज भारतीय जनता पार्टी वाले अगर उनको चेहरा नहीं बनाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ ही होगा। देखिए, सवाल फायदे का नहीं है, सवाल ये उनके पास नेतृत्व तो है ही नहीं। जिस पार्टी ने केंद्र सरकार में आने के बाद पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाकर चुनाव लड़ा हो तो प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता हैं, जैसा उनका कहना है। अब सवाल यह है कि प्रदेश की सरकारें, जहाँ जहाँ प्रदेश की सरकारों में लोगों के पास उनका नेतृत्व उनके नज़दीक है, लोग उसके साथ जाते हैं। आप प्रधानमंत्री से देश का पत्रकार नहीं मिलता, देश के लोग नहीं मिल सकते, देश के आम जन उनसे मिल ही नहीं सकते, ऐसे नेता के साथ जनता क्यों जाना चाहेगी। और जहां तक इस प्रदेश की बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्रदेशवासियों से हर माध्यम से जुड़ने को तैयार हैं। आपको ध्यान होगा, अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सब वर्गों से, जन जन से मुलाकात की, उन्होंने अपने निवास पर उन लोगों के 24 घंटे दरवाजे खोल के रखे और वो छात्रों से, व्यवसायों से, स्त्रियों से, महिलाओं से, किसानों से, व्यापारियों से, शिक्षकों से, डॉक्टरों से और उद्योगपतियों से उन्होंने बात की है, उन्होंने फीडबैक लिया है। और वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन जन से जुड़े हुए नेता हैं। और महंगाई राहत शिविर का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में जाकर उनकी स्वतः मॉनिटरिंग की है, मेरा मानना है कि उसमें उनको फीडबैक भी मिला। और सबसे अच्छी बात जो देखी गई है कि जो फीडबैक उन्हें जहां से मिला उन्होंने वहीं से उसे फीडबैक को आधार पर सुधार करने के जो आदेश थे वहीं से प्रसारित किए, वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया। तो सबसे अच्छी बात यह कि जन जन से मुलाकात होने के बाद महंगाई राहत शिविर में जितना लोकप्रिय ये कार्यक्रम बना है, हमें आशा से ज़्यादा उम्मीद हुई है और मुख्यमंत्री जी बहुत आशान्वित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस महंगाई राहत शिविर का विरोध कर रही है। अगर विरोध करती है तो क्यों नहीं प्रदेश के उनके भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से कहें कि वो अगर ये जो योजना है वो फलीभूत नहीं हो रही और फेल है तो फिर उनके शुभचिंतक और कार्यकर्ता इस योजना का बहिष्कार करें, फिर इसका लाभ क्यों ले रहे हैं। एक भी ऐसा कार्यकर्ता भाजपा का नहीं आया या उनकी टीम नहीं आई जिसने कहा हो कि महंगाई राहत शिविर का फायदा नहीं उठाएंगे। फायदा उठा रहे हैं, जो कि छिपे उनके परिवार के सदस्य फायदा उठा रहे हैं, लेकिन राजनीति के नाम पर इसे फेल बता रहे हैं। तो इस तरह दो उम्मीदों की राजनीति से भाजपा चलने वाली इस प्रदेश में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उनको किसको उम्मीदवार घोषित करना है, किसको नहीं करना है, ये वो जाने। लेकिन इतना तय है कि आज 7 से 8 गुट बने हुए हैं बीजेपी में। सब गुट ये चाहते हैं कि उनके ही गुट के नेता को जो आगामी चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाए, जब वसुंधरा जी हों चाहे कोई भी हों, सब यही चाहते हैं। लेकिन इस चाहत में और आंतरिक जो इनका संघर्ष है उसमें राजस्थान की जनता के लिए संघर्ष करना या राजस्थान सरकार को सुझाव देना, राजस्थान की जनता के लिए और क्या लाभकारी योजनाएं हो सकती हैं, इस प्रकार के सुझाव देना, कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में वो पीछे रह गए हैं। और निश्चित रूप से वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं, और अगर वो पीछे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है उनको, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके विचारों को जनता तक पहुँचाने वाला अब कोई नेता सामने दिखता भी नहीं है। तो कांग्रेस अपने बलबूते पर, अपनी नीतियों के बलबूते पर, अपनी सरकार द्वारा किए गए काम और जो हमारा सत्ता और संगठन का जो समन्वय है, इसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन फेस होगा कौन नहीं होगा बीजेपी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
इस वक्त ये कह सकते हैं कि आंतरिक गुटबाजी के कारण जनता से कट चुकी है और जनता के समक्ष कोई भी मुद्दे न ले जाने के कारण जनता की आवाज केंद्र सरकार तक ले जाने में असमर्थ रहने के कारण। देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी तो रिपीट कर रही है, चाहे वसुंधरा जी फेस हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी फेस हो, चाहे घन सिंह शेखावत फेस हो, चाहे राजेंद्र सिंह शेखावत फेस हो, राजेंद्र राठौड़ फेस हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी फेस हो, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी पहले से बेहतर तरीके से शिकस्त देगी और कांग्रेस पार्टी 2023 में वापस रिपीट करेगी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 के 25 सांसद राजस्थान से नहीं लेने देगी। वसुंधरा जी 2 बार CM रही हैं और मेचर्ड लीडरशिप तो है ही, लेकिन BJP में जिस तरह का माहौल है आज की तारीख में, CM फेस किसको करें किसको नहीं करें, ये 10-12 लोग हैं और किसको करना है ये BJP का नुकसान है। फेस देना चाहे किसी को दें, लेकिन अगर वसुंधरा जी को नहीं देते तो BJP को डायरेक्ट नुकसान है। तो देखा आपने, हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने ये कहा है कि ये BJP का पर्सनल फैसला है। वसुंधरा राजे को CM पद की उम्मीदवारी मिलना ना मिलना, इससे कांग्रेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पूरा पूरा भरोसा है कि ये कांग्रेस सरकार अपने किए हुए कामों पर दोबारा से रिपीट होगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद, नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की, अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का। याद रखिए नाम।